हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल पिनाइकल स्टडी ग्रुप इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर्स फॉर पंजाब पीसीएस टू थाउजेंड ट्वेंटी पार्ट नंबर फोर यू नो दिज ऑल वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब पी सी एस प्री फन वर्ड क्वेश्चन इसमें हम करंट अफेयर सारे कवर करेंगे और इसमें प्रीवियस वन ईयर के करंट अफेयर्स होंगे और ये तब तक करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती रहेंगी जब तक आपका पंजाब पी सी एस का प्रॉब्लम पेपर ना आ जाए इससे पहले जो मैंने तीनों वीडियोस अपलोड की हुई हैं पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए तो काइंडली वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द करंट अफेयर फॉर पंजाब पी सी पार्ट नंबर फोर फर्स्ट है ऑपरेशन मैनिला ऑपरेशन मैनि लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन नेवी फॉर द डिजास्टर रिलीफ एट द मेडेगाकर ये न्यूज़ है जनवरी 2020 की

तो वहां पर साइक्लोन से जिसका नाम था साइक्लोन डेनी जिससे काफी डिजास्टर्स डिस्ट्रक्शन हो गई थी एंड द इंडियन नेवी शिप उस शिप का नाम था एरावट एरावट द रिलीफ मिशन एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड मेडागास्कर पूरे वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड क्लियर तो ये था हमारा फर्स्ट ऑपरेशन वैनिला सेकंड है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में अफ्रीकन चीता परमिटेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया यू नो एपेक्स कोर्ट हैड पुट द मूव ऑन होल्ड टेन इयर्स बैक एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय देन एनवायरमेंटल मिनिस्टर जयराम रमेश अब इस प्रपोजल में क्या है और इस वर्डिक्ट में क्या है कि अफ्रीकन चीता को इंडिया में फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा द प्रपोजल वाज टू फॉरेन चीता इन पालपुर कुनो सेंचुरी इन मध्य प्रदेश री इंट्रोड्यूस करना है हमारे इंडिया में एंड हाउ एवर एपेक्स कोर्ट्स टोल्ड द प्रपोजल फेयरिंग द चीता माइट बिकम इन टू कंफ्लिक्ट विद द प्रोजेक्ट ऑफ री इंट्रोडक्शन ऑफ लॉयस इन द सेंचुरी क्लियर और ये अगर क्वेश्चन आ सकता है कि ये ये प्रपोजल कौन से सेंचुरीज या पाक के लिए था तो आंसर है मध्य प्रदेश के पलपुरकूनो सेंचुरी में थर्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइज अफ्रीका फ्री फ्रॉम द वाइल्ड पोलियो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली अफ्रीका नाउ इट बिकम फ्री फ्रॉम द वाइल्ड पोलियो द अफ्रीकन रीजनल सर्टिफिकेट कमीशन ए आर डबल सी अफ्रीकन रीजनल सर्टिफिकेट कमीशन एंड इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है सर्टिफाइड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री फ्रॉम द वाइल्ड पोलियो वायरस ओके तो इसको फ्री घोषित कर दिए गए And the landmark feat related to public health has been achieved by the continent after decade of work along with the international health bodies, national, local government, community volunteers, and survivors. So this Sari is a national, international, local volunteer in sub contributions. Hai. And according to the previous record, about 75,000 children in Africa were paralyzed by polio in the year 1996. And द लास्ट ईयर ऑफ पोलियो वॉज रिकॉर्डेड फोर ईयर अगो इन द नदर्न नाइजीरिया चार साल पहले की न्यूज में था ये, ये जो लास्ट पोलियो केस है अब ये वाइल्ड पोलियो से तो फ्री हो गया अफ्रीका एंड इन दिस फाइट ऑफ अफ्रीका विद द पोलियो वायरस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लेड सेंट्रल कोडिनेटिंग रोल विद द ग्लोबल पोलियो इेडिकेशन इनिशियेटिव एंड द लोकल लीडर्स वर्किंग विद यूनिसेफ द बिल एंड द मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन रोटरी इंटरनेशनल एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है एंड डायरेक्टर जनरल हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिसाइज किया जाता अभी भी दैट इज टेड्रोस एडानॉम बिकॉज इन्होंने कोविड नाइन्टीन को पेंडेमिक के लिए काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था तो so, ये है हमारी नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिस सर्टिफाइड अफ्रीका फ्राम द फ्री फ्राम द वाइल्ड पोलियो नेक्स्ट है एक एप लॉन्च की गई थी मनी मनी टू हेल्प हेल्पलाइज चैलेंज टू आइडेंटीफाई करंसी नोट मनी ऐप है जो लोग विजुअली चैलेंज है जिनको प्रॉपरली दिख नहीं पाता तो वो भी हमारी इंडिया के करंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च ऐप विच इज मनी और मनी की फुल फॉर्म है मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर एंड दिस इज द विजली चैलेंज पीपल कैन आइडेंटिफाई द डिनोमनेशन ऑफ द करेंसी नोट और उनको पता लग जाएगा कि करेंसी का डिनोमिनेशन क्या है वेदर इट इज़ वन रूपी टू रुपी थ्री टू रुपी फाइव रुप टेन रुपी एंड अपू सौ टू थाउजेंड रुपी एंड बाई यूजिंग द मोबाइल ऐप मनी द एप्लीकेशन ऑल्सो वर्क ऑफलाइन वंस इंस्टॉल्ड अब अगर इसको, इसको इंस्टॉल कर लिया जाए तो वो ऑफलाइन भी वर्क करेगी अब ये एप्लीकेशन कैसे ही काम करेगी द एप्लीकेशन स्कैन्स द करेंसी नॉट यूजिंग द कैमरा ऑफ मोबाइल फोन एंड गिव ऑडियो आउटपुट इन हिंदी एंड इंग्लिश मोबाइल के कैमरे से हम स्कैन करेंगे और उस नोट को और नोट को स्कैन करके वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑडियो आउटपुट देगा द ऐप डज नॉट ऑथेंटिकेट अ नोट एज इधर जैनअर और काउंटर फेट बस ये एक इसका ड्रॉबैक है कि अब ये नहीं बता सकता कि वो जो नोट है वो असली है कि नकली है वेदर इट इज़ जैनअर और काउंटर फेट इट कैन ऑथेंटिकेट बस वो करेंसी को देखेगा और करेंसी को बता देगा तो आर बी आई के ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर है शक्तिकांत दास हैड क्वार्टर है इसका मुंबई में और फाउंडेशन थी फर्स्ट ऑफ अप्रैल नाइनटीन थर्टी फाइव इन कोलकाता ओके मनी ऐप दैट इज मोबाइल एडिट नॉट एडेंटिफाइड उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है एम ई ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेटअप न्यू एमरजिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी विच इज ने न्यू एमरजिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अनाउंस द सेटिंग अपर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी And the division will work to increase the investment coordination among the states of country and also from the foreign countries. This India investment, whether from uh, different states or whether from the foreign contribution. And the new emerging and strategic technologies will act as a nodal division within the ministry for issues pertaining to new and emerging technologies. And it will help in collaboration with the foreign partner in the field of 5G and intelligence, uh, intelligence artificial intelligence. Okay. And uh,

टेक्नोलॉजीज़ का सेटअप किया गया तो जिस इससे डि डिवीजन क्रिएट होंगी इस डिवीजन हो से हमारे इंडिया में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और इससे हमारे इंडिया में कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी नेक्स्ट है ईरान देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि ईरान के कमांडर को कासिम सोलेमानी को बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एयर स्ट्राइक से मरवा दिया गया था इन इराक में अब ईरान के जो नए कमांडर है वो है इस्माइल कानी

ईरान की कैपिटल है तेहरान उसकी करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी ओके तो जो जो चीजें आपको याद रखनी है एक तो है ईरान के सुप्रीम लीडर अतोल्ला अली खामिनी जिन्होंने इस्माइल कानी को एक न्यू कमांडर अपॉइंट कर दिया है ईरान का वाई बिकॉज सोलेम वाज बाय यूनाइटेड स्टेट स्ट्राइक इन बगदाद नेक्स्ट ओ ने 2020 को कौन सा ईयर डेजिग्नेट किया है ईयर ऑफ नर्स एंड इन द ऑफ हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्लोरेंस नाइटन गेल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड ईयर 2020 थाउजेंड ईयर मिड वाइफ दो मिडवाइफ 2020 का ये जो साल है उसको ईयर ऑफ नर्स और मिड वाइफ एज अ डेजिग्नेट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यू नो दिस ईयर डब्ल्यू एच इज फोकड ऑन नर्सिंग मिड वाइफ इन ऑर्डर टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट दैट टू बी लॉन्च इन टू थाउजेंड ट्वेंटी द रिपोर्ट इज फर्स्ट ऑफ इस काइंड एंड दिस ईयर बींग डेडिकेटेड द मिड वाइफ एज वेल एज डब्ल्यू एच ओ इज अ पार्टनर ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मिड वाइफ फ्री कैंपेन क्लियर और अभी अब मैंने आपको बताया डब्ल्यू एच ओ का हेड क्वार्टर है जिनीविया स्विटरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एडानॉ क्लियर दिस इज अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेजेशन ट्वेंटी उसके बाद हर साल चार जनवरी को डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बरेली डे ठीक है वर्ल्ड बरेली डे द वर्ल्ड बरेली डे इज ऑब्जर्व एनअली ऑन द फोर्थ ऑफ जनवरी एंड वाई बिकॉज द वर्ल्ड सेलिब्रेट सिंस टू थाउजेंड नाइनटीन दो हजार उन्नीस से ही तो ये डे स्टार्ट किया गया अब दो हजार बीस को ये दोबारा से सेलिब्रेट और ऑब्जर्व किया गया इज ऑब्जर्व टू रेस अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बरेली एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड पीपल जो लोग ब्लाइंड है और पार्शली साइटेड है जिनको प्रॉपर नहीं दिख पाता वो बरेली सिस्टम से पढ़ने की कोशिश करते बरेली सिस्टम से प्रॉपरली अपनी स्टडी करते हैं और ये बरेली सिस्टम हर साल फोर्थ ऑफ जनवरी को यह डे ऑब्जर्व किया जाता है द डे इज मार्क रिमेंबरिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लुइस ब्रेल द इन्वेंटर ऑफ बरेली फॉर द पीपल विद द विजुअल डिसबिलिटी तो लुइस बरेल जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था जैसे जो पढ़े लिखे जो uh, जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको टच करके बिकॉज ये जो वर्ड्स होते हैं ये जो डोर्ट्स होते हैं ये डोट्स ऊपर ऊपर होते हैं ठीक है और वो इनको टच करके पढ़ सकते हैं ए लुइस बरेली वॉज बॉर्न ऑन फोर्थ ऑफ जनवरी एटीन जीरो नाइन इन द टाउन ऑफ कुपरबे इन नार्दर्न फ्रांस नेक्स्ट है चार केरे टू बी द इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब देखिए रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में हैं गगनयान और ग और गगनयान 2021 ट्वेंटी वन में हमने लॉन्च करना था बट बिकॉज ऑफ द कोविड 19 इसको अब पोस्टपोन कर दिया गया हुआ है इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो तो ट्रेन हो रहे हैं रशिया में पर फ्यूचर्स में हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट्स हमारे इंडिया में ट्रेन होंगे इसके लिए एक ट्रेनिंग हब बनाया गया है चाल के द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज परपोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एट चालकेरे विच इज इन चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका कर्नाटका के चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में चालकेरे जहां पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर प्रपोज किया गया एंड दिस फैसिलिटी इज टू बी एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल इन थ्री ईयर तीन साल के अंदर यह ऑपरेशन हो जाएगा इसरो एम्स टू इस्टेब्लिश अ सेल्फ कंटेन्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी हियर एट प्रेजेंट नॉट द पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ इसरो आर ट्रेन इन रशिया अभी तो रशिया में ट्रेन हो रहे हैं पर इन फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं द सेंटर एम टू ब्रिंगिंग इन ऑल द फीचर बिगिन ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट विद इन कंट्री एंड इसरो के चेयरमैन है के सी वन हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सिक्सटी नाइनटीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंदिरा गांधी ओके उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ओमैन कंडक्टेड बाई लेटरल एक्सरसाइजिस इंडिया और ओमैन ने दोनों ने नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया बायोलेट्रल और जिसका नाम है नसीम अल बहार इंडिया एंड ओमान कंडक्टेड ट्वेल्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज कॉल्ड द अल बहार इन पोर्ट गोवा में ठीक है गोवा का एक मेजर पोर्ट है मरमोगाव यहां पर नेवी ने बायोलेट्रल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है नसीम अल बहार विच इज और सी ब्रीज़ इसको इंग्लिश में सी ब्रीज कहा जाता है इट्स अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड आरएनओ इस कंडक्टेड एंसेंस 1993 तो 1993 के ऑनवर्ड ये हर कंडक्ट होती है एंड इंडियन नेवी शिप विच इज ब्यास एंड सुभद्रा ये इंडिया की नेवी है ब्यास एंड सुभद्रा ओमान नेवी शिप्स आर नोव अल रशिक एंड आरनोव कसाब आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज क्लियर और ये गोवा में है نسیم البہار और सी ब्रीज ओमान का कैपिटल है मस्कट और कैपिटल है ओमानी रियाल। ओके okay? नेक्स्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जिनका नाम है जोरन ये क्रोशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जोरन मिलनकॉबिक बिलोंग टू से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अब ये क्रोशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं क्लियर

नेक्स्ट हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी एट ऑफ फेबर को नेशनल साइंस डे यह है डॉक्टर सी वी रमन नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन ट्वेंटी फ़रवरी एंड ऑन दिस डे सर सी वी रमन हैड अनाउंस द डिस्कवरी अब ये इसी दिन सी वी रमन जी ने रमन इफेक्ट के लिए इनको अवार्ड भी मिला था नोबल प्राइज national science day celebrated all over india on 28th of february and on this day the Sir C.V. raman has announced the discovery of a raman effect which he was awarded for the nobel prize in 1930 and government of india designated 28th of february as a national science day and the theme of this year was national science day is women is science okay women in science ye is salka national science day Ka theme women in science india and uk ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड द इंद्र धनुष स्टेड इंडिया एंड यूके स ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स एंड ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स एट एयरफोर्स स्टेशन इन यूपी क्लियर और इसका नाम है इंद्रधनुष इंडिया एंड यूके इंद्रधनुष और ये एक एयर फोर्स एक्सरसाइज है एयर चीफ मार्शल है हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर फोर्स फाउंडेशन हुई थी एट ऑफ अक्टूबर नाइनटीन थर्टी टू में और एयर फोर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में ओके नेक्स्ट टोक्यो ने टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो ओलंपिक्स होने थे अब वो भी पोस्टपोन कर दिए गए और उसका मोटो रखा गया था यूनाइटेड बाय इमोशंस यूनाइटेड बाय इमोशंस चूजन एज ए टोक्यो टू थाउजेंड ट्वेंटी ओलंपिक्स मोटो

है लोसेन स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लोसेन में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस बैक थॉमस बैक इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड लोसेन स्विट्जरलैंड इज राइट नाउ द हेडक्वार्टर और ऑफिशियल uh, मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशंस नेक्स्ट सेवनटीन जून को हर साल डे ऑब्जर्व किया जाता है विच इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड को कॉम्बैट करना रोकना है और सूखा जो लैंड देखिए एक होती है लैंड पहले धीरे धीरे वो लैंड अनफर्टाइल होती है और अनफर्टाइल के वो बाद लैंड क्या बन जाती है डेजर्ट बन जाती है तो एक बार लैंड डेजर्ट बन के उसको वापस फर्टाइल करना इम्पॉसिबल है तो डेजर्ट को एक्सपेंड होने से कम करना है तो दिस इज द डेजर्टिफिकेशन सो द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड रॉड इज ऑब्जर्व ऑन द सेवनटीन ऑफ जून एवरी ईयर to spread awareness among people about the cooperation required to combat desertification and effect of the drought. clear. so we have food fiber, food feed and fiber. that is a sustainable production and the consumption. 17th of june. it's a unique occasion to remind everybody that desertification is often effectively tackled and that solutions are possible. टूल्स प्रेजेंट एम ले इन स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन इन दीस्ट लेवल द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बेटिफिकेशन एंड ट्वेंटी इस साल का थीम यहां पर मैंने लिख दिया दैट इज फूड फीड फाइबर ट्रिपल एफ फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्शन एंड लैंड यू नो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट फॉरेस्ट you know, और क्लाइमेट चेंज के प्रकाश जावेदकर ये अब आपको ये डे दे याद रहना चाहिए वर्ल्ड डे टू डेजर्टिफिकेशन एंड रोड सेवनटीन ऑफ जून एवरी ईयर एंड फूड फीड एंड फाइबर और uh, हमारे मिनिस्टर है उसके बाद नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं इंडिया बिकम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेजिडेंट फॉर अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेजिडेंट है क्या इंडिया तो मेम्बर भी नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का

तो जितने भी हम नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं तो नॉन परमानेंट मेंबर्स प्रेसिडेंट बनेंगे सिर्फ एक मंथ के लिए और एक मंथ रोटेशन वाइज होता है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स इंडिया विल द रोटेटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दंथ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी दो हजार इक्कीस में इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के वो है टी टी ती एस तिरुमूर्ति टी ती एस करंट अफेयर पीसीएस का वीडियो नंबर फोर ओके प्रीवियस वीडियोज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं वहां पर तीनों वीडियोज तो आपको मिल जाएंगे ओके अगर आप यूपीएससी और पंजाब पीसीएस के कोर्सेस लाइव कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो प्लस रिकॉर्डेड वीडियो सो so गो फॉर माई ऐप पिनाकल स्टडी ग्रुप पिनाकल स्टडी ग्रुप ऐप का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसमें आप डाउनलोड करिए ऐप और वहाँ पर भी आपको काफ़ी रिसोर्सेज मिलते हैं सो दिस इज़ फॉर टूडे दिस वीडियो थैंक यू